शपथ लेते फिर एक्शन में दिखे अमित शाह। मणिपुर पर चिल्लाने वालों की लगा दी क्लास। अमरनाथ यात्रा पर नजर गड़ाए बैठे आतंकियों की आई शामत। भोलेनाथ के भक्तों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में अमित शाह। जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को दिए सख्त निर्देश। शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आते अमित शाह एक्शन में आ गए हैं। मोदी 3.0 में अमित शाह को एक बार फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलते ही वो अपने काम में लग गए हैं। शाह का इस बार का मकसद आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। मणिपुर की घटना से राज्य के लोगों को उबारना है। अमरनाथ यात्रा में घात लगाए आतंकियों को चुन चुन के खत्म करना है, जिसकी तैयारी अमित शाह ने शपथ लेते ही शुरू कर दी। अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले भगवान भोलेनाथ के भक्तों पर अब हमले तो क्या, उनकी तरफ टेढ़ी आंख से देखना भी बीते जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इसे लेकर वो लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा इंतजामों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देकर भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था अभेद कराने के पुख्ता इंतजाम भी कर रहे हैं। भगवान के भक्तों की सुरक्षा को लेकर अमित शाह पूरी तरह गंभीर हैं, जिससे अब अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भोलेनाथ के भक्तों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ के भक्त बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के बीच अच्छे तरीके से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। विगत 16 जून 2024 को शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव खुफिया विभाग के निदेशक, वरिष्ठ सेना अधिकारी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीआरपीएफ के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि भगवान भोलेनाथ के अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही और चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के और बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सभी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकतम सतर्कता बनाए रखने, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने, प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अंतर एजेंसी समन्वय स्थापित करने, स्थिर एवं मजबूत संचालन प्रक्रिया अपनाने, भक्तों के लिए सुगम और बिना किसी परेशानी के यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करने, अमरनाथ यात्रा के प्रबंध पूरी तरह इको फ्रेंडली करने, साथ ही सभी सुरक्षा एजेंसियों से ये सुनिश्चित करें कि अमरनाथ यात्री अच्छी तरीके से पवित्र दर्शन कर सके और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, आदि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शाह ने दूसरी बड़ी बैठक मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए 17 जून 2024 को दिल्ली में उच्च अधिकारियों के साथ की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जितने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है, उतने ही मणिपुर में सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए ललायित हैं। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति को लेकर वे लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें मणिपुर के हालातों की लगातार समीक्षा कर अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे हालात अब काबू में हैं। वहीं आम आदमी की सुरक्षा, आवास और भोजन आदि के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, ताकि आमजन को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मणिपुर में शांति बनाए रखने को लेकर 17 जून 2024 को उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव खुफिया विभाग के निदेशक, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार, असम राइफल के महानिदेशक, मणिपुर के मुख्य सचिव और डीजीपी तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें मणिपुर में और कोई हिंसक घटना ना हो यह सुनिश्चित करना है। केंद्रीय बलों की रणनीतिक तैनाती से मणिपुर में पुनः
पूरी तरह शांति स्थापित करना, हिंसा के लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना, जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाना, राहत शिविरों में भोजन पानी दवाएं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना, विस्थापित लोगों के लिए उच्च स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा तथा उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना, नस्लवादी संघर्ष को सुलझाने के लिए समन्वित पहल करना और शांति बनाए रखना, कुकी और मैतेई समुदाय के साथ बातचीत करना जिससे नस्लवाद के भेद को समाप्त किया जा सके, मणिपुर सरकार को राज्य में सुरक्षा स्थिति मजबूत करने में सक्रिय समर्थन देना आदि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा के चाणक्य और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह इस मास्टर प्लान का क्या नतीजा निकलता है और देश के आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में यह कितनी बड़ी भूमिका निभाता है।